इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और सोमवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि आज शाम 4:30 तक रहेगी। आज सुबह 8:35 से शुरू होकर कल सुबह 7 बजे तक सुकर्मा योग रहेगा। साथ ही आज शाम 7:26 तक शतभिखा नक्षत्र रहेगा। आज अशून्य शयन व्रत है, आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर, आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाजा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायी जायदियों की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। आज ये योग 26 अगस्त की शाम 5:15 से रात 10:29 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 2 सितंबर की दोपहर 3 बजे से अगले दिन के सूर्य उगने तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। किसी को प्रपोज करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। यह मुहूर्त सुबह 5:55 पर शुरू हुआ था और दोपहर 12:24 तक रहेगा, और फिर आज ही दोपहर 2:43 से शाम 7:26 तक भी रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 29 अगस्त की सुबह 10:09 से 10:20 तक और दोपहर 12 बजे से 2:19 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 27 अगस्त की सुबह 9:49 से दोपहर 2:27 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 5:55 पर शुरू हुआ था और दोपहर 12:24 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अच्छा मुहूर्त सुबह 5:55 पर शुरू हो चुका है और दोपहर 12:24 तक रहेगा, और फिर आज ही दोपहर 2:43 से शाम 7:26 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए अच्छा मुहूर्त आज नहीं है। अब यह मुहूर्त 26 अगस्त की शाम 5:14 से रात 9:09 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 5:55 पर शुरू हुआ था और दोपहर 12:24 तक रहेगा, और फिर आज ही दोपहर 2:43 से शाम 7:26 तक भी रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति सामने से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है, इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज शाम 5:23 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, कर्क, धनु और मकर राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 7:32 से 9:09 तक। मुंबई सुबह 7:57 से 9:31 तक। चंडीगढ़ सुबह 7:31 से 9:09 तक। लखनऊ सुबह 7:19 से 8:55 तक। भोपाल 7:35 से 9:11 तक। कोलकाता 6:52 से 8:28 तक। अहमदाबाद सुबह 7:54 से 9:30 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 7:31 से सुबह
9:04 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो दिशा है दक्षिण पश्चिम और पश्चिम। आज घर से निकलकर दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही दक्षिण पश्चिम या पश्चिम की ओर 7 कदम चलिए। क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम से चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज तकदीर आपके साथ रहेगी। आज आप अपने बात करने के तरीके से लोगों को अपनी बात समझाने में सफल रहेंगे। साथ ही अपने व्यवहार से ऐसे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे जो आपकी क्षमताओं से प्रभावित होकर आपके विकास के लिए नए रास्ते खोल सकते हैं। इस राशि के जो लोग टूर एंड ट्रेवल का बिजनेस करते हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज आपको किसी अच्छी कंपनी से नौकरी का ऑफर आएगा। आज तली भुनी चीज़ें खाने से बचें। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 6। वृष राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। जिस काम को कई दिनों से पूरा करने की सोच रहे हैं वो आज किसी की मदद से पूरा हो जाएगा। आज किसी दूसरे के काम में राय देने से बचें। आज दूसरों से बात करते समय सही भाषा का प्रयोग करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। आज आपको ज़मीन जायदाद से जुड़े मामलों में फ़ायदा होगा। इस राशि के जो लोग सोशल नेटवर्किंग से जुड़े हैं उनके लिए आज का दिन बढ़िया है। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 5। मिथुन राशि वालों, अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए आज का दिन बढ़िया है। आपका अच्छा व्यक्तित्व समाज में आपकी अलग पहचान बनाने में मदद करेगा। आज आपको किसी सम्मानित व्यक्ति से मिलने का मौका मिलेगा। इस राशि के ठेकेदारों के लिए आज का दिन धन लाभ देने वाला है। जीवन साथी की मदद से आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। आज किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाएंगे जहां आपकी मुलाकात पुराने दोस्त से होगी। छात्रों को सफलता मिलने से परिवार वाले खुश होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 8। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपको अपने काम को बेहतर ढंग से करने के लिए ठीक है। इस राशि के जो लोग सिंगिंग के शौकीन हैं उनके लिए आज का दिन बेहतरीन है और आज किसी शो में गाने का ऑफर मिलेगा जिससे आपके करियर की अच्छी शुरुआत होगी। राजनीति में सक्रिय लोगों को पार्टी में नई जिम्मेदारी मिलेगी। छात्र आज कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने का मन बनाएंगे। आज ऑफिस के किसी काम को पूरा करने में पुरानी कंपनी का अनुभव काम आएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 4। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। आज ऑफिस में बॉस आपके काम से खुश होकर आपको इनाम स्वरूप कोई उपयोगी वस्तु गिफ्ट करेंगे। साथ ही आपका प्रमोशन होने की भी संभावना है। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों को आज अपने उच्चाधिकारी के सामने बात रखने पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। आज लवमेट्स के रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। इस राशि के डॉक्टर्स के लिए आज का दिन बढ़िया रहेगा। आज छात्रों को पढ़ाई में शिक्षकों का सहयोग मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 9। कन्या राशि वालों, आज आपके मन में नए नए विचार उत्पन्न होंगे। आपके नए विचारों से आपके आसपास के लोग प्रभावित होंगे, साथ ही आपकी सराहना करेंगे। अगर व्यापार में कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो पहले उसकी योजना तैयार कर लें। जीवन साथी का सहयोग आज आपके कामों में कारगर साबित होगा। आज आपके घर में किसी दूर के रिश्तेदार के आने से घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। लवमेट आज साथ में लंच करने जाएंगे, इससे रिश्तों में और भी अधिक मजबूती आएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। तुला राशि वालों, आज का दिन अच्छा रहेगा। आज आप बहुत सरलता से घर के काम बिना किसी रुकावट के पूरा करेंगे। बेहतर परिणामों के लिए खुद पर भरोसा रखें। फ्रीलांस का काम कर रहे लोगों को आय के नए स्रोत प्राप्त होंगे। बिजनेस मीटिंग में आज आप लोगों को प्रभावित करने में सफल होंगे। आज किए परिश्रम का फायदा भविष्य में अवश्य होगा। आज आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। परिवार में आज सुख शांति का माहौल रहेगा। साथ ही बच्चों की सफलता से आज आप खुद को गौरवान्वित महसूस करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 4। वृश्चिक राशि वालों, आज आगे बढ़ने के नए रास्ते नजर आएंगे। इस राशि के स्टूडेंट्स की तरक्की में कई दिनों से आ रही रुकावटें आज दूर हो जाएंगी। व्यापार में पहले से बनाई हुई योजनाएं आज पूरी हो जाएंगी। इस राशि के बिल्डर्स के लिए आज का दिन शुभ है। कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिलने के योग बने हुए हैं। आज जीवन साथी के साथ घर पर ही समय बिताएंगे जिससे दोनों के रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। बच्चे आपको खुश होने की वजह देंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 8। धनु राशि वालों, आज का दिन अच्छा रहने वाला है। कोई ऑनलाइन व्यापार शुरू करने के लिए भी आज का दिन बेहतरीन साबित होगा। इस राशि के आर्किटेक्ट
आर्किटेक्चर के क्षेत्र से जुड़े लोगों के कार्यों में आने वाली रुकावटें समाप्त हो जाएंगी। पहले की हुई मेहनत के आज अच्छे परिणाम हासिल होंगे। दोस्तों के साथ पार्टी करेंगे जिसमें आप खूब एंजॉय करेंगे। लवमेट्स आज एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करेंगे। दांपत्य जीवन खुशियों से भरा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 3। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके अनुकूल रहेगा। ऑफिस में आज किसी बड़े काम की जिम्मेदारी आपके कंधे पर आएगी। आज आपके सामने आई सभी चुनौतियों का डटकर मुकाबला करेंगे। इस राशि के ड्राई क्लीनर्स के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। काम को बढ़ाने से धन लाभ में काफ़ी इजाफा होगा। किसी काम को करने में आप जल्दबाजी करने से बचें। लवमेट्स आज अपने पार्टनर को इयररिंग गिफ्ट कर सकते हैं जिससे आपके साथी को खुशी मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 5। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहेगा। आज आप जिन कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास लंबे समय से कर रहे हैं उन्हें आज पूरा करने में सफल होंगे। इस राशि के जो लोग जौहरी का बिजनेस करते हैं आज उन्हें धन लाभ होने की संभावना बन रही है। साथ ही आपकी मुलाकात कुछ बड़े बिजनेसमैन से होगी जिसका फायदा आपको भविष्य में अवश्य मिलेगा। बच्चों का समय आज दादा के साथ बीतेगा। विद्यार्थियों को थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 2। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतरीन रहेगा। इस राशि के इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा है। अगर आप जॉब बदलने का मन बना रहे हैं तो आज का दिन अच्छा रहेगा। परिवार में सामंजस्य बना रहेगा। आज आप अपने दोस्तों के साथ कुछ मजाकिया और मज़ेदार पल बिताएंगे। माता पिता का सहयोग कार्यों में मिलता रहेगा। नव विवाहित आज कहीं बाहर घूमने का प्लान बनाएंगे। आज आपको किसी धार्मिक अनुष्ठान में जाने का मौका मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 9। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज जेब में सफ़ेद रुमाल रखें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज मिश्री का भोग भगवान को लगाएं तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आपको तरक्की के नए नए अवसर प्राप्त होंगे जिससे आप प्रसन्न होंगे। मूलांक 2, स्वास्थ्य के लिहाज से दिन अच्छा रहेगा, शरीर में ताजगी बनी रहेगी। मूलांक 3, अपने विचारों को दूसरों पर न थोपें, अपने काम पर ध्यान दें। मूलांक 4, कार्यक्षेत्र में आ रही रुकावटें आज समाप्त हो जाएंगी जिससे आपके काम सफलतापूर्वक पूरे होंगे। मूलांक 5, आपके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी। मूलांक 6, आज आप अपनी वाणी पर संयम रखें, किसी से बात करते समय एग्रेसिव ना हों। मूलांक 7, आज आपकी दिनचर्या में सकारात्मक परिवर्तन होंगे जिसका आपको फायदा होगा। मूलांक 8, व्यापार में अपने परिश्रम एवं सूझबूझ से परिस्थितियों को पहले से बेहतर बना लेंगे। मूलांक 9, अपनी वाणी और विचारों से लोगों को मंत्रमुग्ध कर देंगे, रिश्तेदारों से संबंध और मजबूत होंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे बच्चों के कमरे के बारे में। अगर आपका बच्चा पढ़ाई को लेकर कंसंट्रेशन उसका नहीं है, कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, तो ज़रूरत है बदलाव की। बदलाव उनके पढ़ाई के कमरे में कुछ चीज़ें हैं जिनमें बदलाव करके आप अपने बच्चे की मदद कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि बच्चों के सोने का और पढ़ाई का कमरा अलग अलग होना चाहिए। स्टडी रूम में सबसे पहले डेकोरेशन का पूरा ख्याल रखना चाहिए जिससे बच्चे का पढ़ने में मन लगा रहे। कमरे में कलर बैलेंस ठीक होना चाहिए। ज़्यादा चमकदार और भड़कीला रंग स्टडी रूम के लिए ठीक नहीं है। कलर ब्राइट हो लेकिन लाइट भी होना चाहिए, जैसे नींबू का कलर और फिर सफ़ेद या क्रीम रंग का पेंट करवाएं। छत पर भी सफ़ेद या क्रीम कलर ही करवाएं। सफ़ेद करवाना सबसे अच्छा है, इससे कमरे का माहौल अच्छा बना रहेगा। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा बच्चों के कमरे के बारे में। उम्मीद है आप इस वास्तु टिप को अपनाकर अपने बच्चे के स्टडी रूम का वास्तु ठीक करेंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात। आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और सोमवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि आज शाम 4:30 तक रहेगी। आज से भाद्रपद महीने की शुरुआत हो गई है। भाद्रपद को भादो के नाम से भी जानते हैं। भाद्रपद चातुर्मास में आने वाला दूसरा महीना है। बता दूं कि 20 जुलाई को हरिशयनी एकादशी के दिन चातुर्मास की शुरुआत हुई थी। चातुर्मास के दौरान शादी ब्याह आदि शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। साथ ही इस दौरान कुछ खाने की चीज़ों का भी निषेध होता है। चातुर्मास के पहले महीने यानी श्रावण मास के दौरान शाक का त्याग किया जाता है। भाद्रपद मास के दौरान दही का त्याग किया जाता है। आश्विन माह के दौरान दूध का त्याग किया जाता है और कार्तिक मास के दौरान द्विदल यानी दाल का त्याग किया जाता है। चूंकि श्रावण मास अब समाप्त हो चुका है लिहाजा अब आप शाक का सेवन कर सकते हैं, लेकिन भाद्रपद शुरू होने के कारण आपको आज से लेकर 20 सितंबर तक दही का परित्याग करना चाहिए।
कहते हैं इस महीने में दही का त्याग करने से व्यक्ति को पुण्य फल प्राप्त होते हैं और उसकी निरंतर तरक्की होती है। ये थी भाद्रपद महीने की चर्चा और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज सुबह 8:35 से शुरू होकर कल सुबह 7 तक सुकर्मा योग रहेगा। सुकर्मा योग के दौरान किए गए कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती है, विशेषकर कि नई नौकरी ज्वाइन करने के लिए ये योग बड़ा ही शुभ होता है। साथ ही आज शाम 7:26 तक शतभिका नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से शतभिका 24वां नक्षत्र है, इसका अर्थ होता है सौ चिकित्सक। शतभिका नक्षत्र के स्वामी राहु हैं और इसकी राशि कुंभ है। इसके अलावा शतभिका नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह खाली वृत्त या गोलाकार आकृति को माना जाता है, जबकि पेड़ पौधों में इसका संबंध कदम के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म शतभिका नक्षत्र में हुआ है या जिनकी राशि कुंभ है उन लोगों को राशि कुंभ से मतलब नहीं, केवल जिनका जन्म शतभिका नक्षत्र में हुआ है उन लोगों को आज अब वो तो और राशि तो कुंभ ऑटोमेटिक हो जाएगी, लेकिन कुंभ राशि अपने आप में कंडीशन नहीं है कि कुंभ राशि है। कुंभ राशि में तो सवा दो नक्षत्र है ना, जिनका कुंभ राशि है और साथ में शतभिका नक्षत्र है, उन लोगों को आज शतभिका नक्षत्र के दौरान कदम्ब के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। आज ऐसा करने से जीवन में आपकी तरक्की सुनिश्चित होगी। तो ये थी चर्चा सुकर्मा योग और शतभिका नक्षत्र की और अब बात करेंगे अशून्य शयन व्रत की। आज अशून्य शयन द्वितीय व्रत है। ये व्रत पुरुषों द्वारा किया जाता है। इस व्रत में माँ लक्ष्मी और श्री विष्णु की पूजा का विधान है। आज पूरा दिन व्रत रखने के बाद शाम के समय चंद्रमा उदित होने पर चंद्रदेव को अर्घ देकर व्रत का पारण किया जाता है। यहाँ एक बार समझ लेते हैं कि अशून्य शयन द्वितीया का पारण द्वितीया तिथि में चंद्र दर्शन के बाद ही किया जाता है और द्वितीया तिथि का चंद्रमा आज ही दिखेगा। आपको बता दूं कि आज चंद्रोदय शाम 7:49 पर होगा। दरअसल अशून्य शयन द्वितीया का अर्थ ही होता है अकेले न सोना पड़े, लंबे समय तक दोनों का साथ बना रहे। लिहाजा इस व्रत को करने से जीवन भर पति पत्नी का साथ बना रहता है। ये व्रत पुरुष करते हैं और रिश्तों की डोर मजबूत होती है। जीवन को बेहतर ढंग से चलाने के लिए पति पत्नी दोनों की समान रूप से जरूरत होती है। जितनी जरूरत पत्नी को पति को की होती है उतनी ही जरूरत एक पति को पत्नी की भी होती है। लिहाजा आज के दिन पुरुषों को इस व्रत को करके अपने जीवन साथी का साथ सुनिश्चित करने का अवसर उपलब्ध होता है। ये थी चर्चा अशून्य शयन व्रत की और अब बात करते हैं आज किए जाने वाले विशेष उपायों। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन में विश्वास बनाए रखना चाहते हैं तो आज अपने जीवन साथी के साथ तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें। साथ ही लक्ष्मी जी को खोए की मिठाई का भोग लगाएं और हाथ जोड़कर लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में विश्वास बना रहेगा। अगर कुछ दिनों से आपका जीवन साथी के साथ मनमुटाव चल रहा है तो उनका साथ पाने के लिए आज दूध और चावल की खीर बनाएं। संभव हो तो उसमें थोड़ा सा केसर और इलायची भी डालें। अब उस खीर का भगवान को भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद बची हुई खीर को प्रसाद के रूप में अपने जीवन साथी को खिलाएं। साथ ही खुद भी थोड़ा सा प्रसाद जरूर खाइए। आज के दिन ऐसा करने से जीवन साथी के साथ आपका मनमुटाव खत्म होगा और आप एक दूसरे के बेहद पास आ जाएंगे। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा झगड़ा रहता है तो उससे छुटकारा पाने के लिए और सबके बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए आज सोते समय अपने सरहाने कपूर की 2 टिक्कियां रखी तकिया के नीचे। फिर अगले दिन सुबह स्नान आदि के बाद उस कपूर को घर में भगवान की पूजा की अलमारी के आगे जला दीजिए। आज के दिन ऐसा करने से घर में झगड़ों से आपको छुटकारा मिलेगा और सबके बीच आपसी सामंजस्य स्थापित रहेगा। अगर आपकी शादी को अभी कुछ ही साल हुए हैं और आपके विवाह के बंधन ढीले पड़ने लगे हैं तो आज दक्षिणावर्त शंख में जल भरकर श्री विष्णु का अभिषेक करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके विवाह के बंधन मजबूत होंगे। अगर कुछ लोगों की वजह से आपके रिश्ते में गलतफहमी बढ़ गई है और इसका असर पूरे परिवार पर पड़ रहा है तो आज स्नान आदि के बाद विष्णु मंदिर जाकर भगवान की विधिवत रोली चंदन और पुष्प से पूजा करें। साथ ही उन्हें एकाक्षी नारियल अर्पित करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके रिश्ते के बीच आई गलतफहमी दूर होगी और आपके परिवार का माहौल ठीक होगा। अगर आप अपने रिश्तों में खुशियां भर देना चाहते हैं और अपने संबंधों को मधुर बनाना चाहते हैं तो आज इत्र की एक शीशी लेकर श्री विष्णु के चरणों में कुछ देर के लिए रख दीजिए। फिर भगवान की विधि पूर्वक पूजा के बाद उस शीशी को वहां से उठाकर अपने पास रख लें और रोज सुबह स्नान आदि के बाद उसका इस्तेमाल करें। आज ऐसा करने से आपके रिश्तों में खुशियों की बौछार होगी और आपका रिश्ता मधुर बनेगा।
अगर आप अपने मान सम्मान और वैभव में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज स्नान आदि के बाद मीठी पूरियों का चूरवा बनाकर पक्षियों को खिलाएं, साथ ही एक मिट्टी के बर्तन में चिड़ियों के लिए पानी भरकर रखें। आज के दिन ऐसा करने से आपके मान सम्मान और वैभव में बढ़ोतरी ही बढ़ोतरी होगी। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आज स्नान आदि के बाद एक कटोरी में थोड़ा सा घिसा हुआ पीला चंदन लेकर श्री विष्णु को तिलक लगाएं और फिर उसी कटोरी से चंदन लेकर घर के अपने जीवन साथी के मस्तक पर तिलक लगाएं, खुद भी तिलक लगाएं और आप अपनी पत्नी के गले में लगाइए, मस्तक पर नहीं, स्त्रियों के गले में लगाया जाता है, मस्तक पर चंदन नहीं लगाते। आज के दिन ऐसा करने से आपका दाम्पत्य जीवन मजबूत बना रहेगा। अगर आपके रिश्ते में किसी कारणवश दरार पैदा हो गई है तो आज श्री विष्णु और लक्ष्मी जी के सामने घी का दीपक जलाइए। आज ऐसा करने से आपके रिश्ते की बीच आई दरार जल्द ही खत्म होगी और आपका रिश्ता मजबूत बनेगा। अगर आप जीवन साथी के साथ अपने प्रेम को बढ़ाना चाहते हैं तो आज 7 तुलसी की पत्तियां लेकर उन पर थोड़ा सा चीनी का बताशा रखकर विष्णु जी को अर्पित करें। आज के दिन ऐसा करने से जीवन साथी के साथ आपके प्रेम में बढ़ोतरी होगी। अगर आप अपने परिवार के सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज एक 5 मुख के रुद्राक्ष, एक साबुत हल्दी, गोमती चक्र, कौड़ी और गुंजा फल के दाने लेकर एक सौभाग्य पोटली बनाएं और इस पोटली को श्री विष्णु पूजा के समय भगवान के पास रखें। पूजा के बाद इस सौभाग्य पोटली को उठाकर अपने घर के मंदिर में रख दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके परिवार के सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी होगी। अगर आप अपने जीवन साथी के व्यवहार को अपने प्रति नरम बनाना चाहते हैं तो आज एक मौली लेकर श्री विष्णु की तस्वीर के पास रख दें और आसन बिछाकर बैठ जाएं। साथ ही लक्ष्मी नारायण के मंत्र का 21 बार जप करें। मंत्र है ओम नमो भगवते लक्ष्मी नारायणाय। मंत्र पढ़ने के बाद भगवान के पास रखी उस मौली में से 2 धागे निकालिए। एक धागा अपने दाएं हाथ की अनामिका उंगली में बांधिए और दूसरा धागा अपने जीवन साथी के बाएं हाथ की अनामिका में बांधिए। दोनों लोग आज पूरा दिन उस मौली को बांधे रहें और कल उसे निकालकर तुलसी के पौधे के नीचे रखाइए। आज के दिन ऐसा करने से जीवन साथी का व्यवहार आपके प्रति नरम होगा। तो ये थी चर्चा अशून्य शयन व्रत की। उम्मीद है आप इस चर्चा का भरपूर लाभ उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों, क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सक्रिय गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है ए, जो लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। बी, आज का दिन कार्य की सफलता और नए कार्य के शुभारंभ के लिए अच्छा होगा। सी, आज लोगों से मेलजोल बढ़ेगा, लोग आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। डी, आज किसी दोस्त से फोन पर देर तक बात करेंगे जिसमें आप अपनी पर्सनल बातें भी शेयर करेंगे। ई, व्यवसाय में आप नई शैली अपनाएंगे जिससे कार्यों को नई गति मिलेगी। एफ, आज लोग आपसे प्रभावित होंगे जिससे वो आपके किसी काम में मदद भी करेंगे। जी, बदलते मौसम का लुत्फ उठाएंगे, साथ ही आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। एच, लवमेट्स के लिए आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा, उपहार मिलने से मन प्रसन्न होगा। आई, कार्यक्षेत्र में आपको ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, आपकी मेहनत अवश्य रंग लाएगी। जे, सरकारी कामों में आ रही रुकावट आज किसी की मदद से दूर होगी। के, आज किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा आपका मूड खराब हो सकता है लेकिन कुछ देर बाद सब ठीक हो जाएगा। एल, कोर्ट कचहरी के कामों में सफलता मिलेगी जिससे आप काफ़ी खुश होंगे। एम, किसी को उधार देने से बचे, नहीं तो उधार दिया हुआ पैसा आपको वापस मिलना मुश्किल होगा। एन, माता पिता के आशीर्वाद से सारे काम पूरे होंगे जिससे आपको प्रसन्नता मिलेगी। ओ, आज आप अपने बच्चों के साथ समय बिताएंगे जिससे आपका मानसिक तनाव कम होगा। पी, किसी दूसरे के मामले में बोलने से बचे और किसी को बिना बात सलाह न दें। क्यू, आज आप कोई व्यापार शुरू करेंगे जिसमें घर वालों का पूरा सहयोग मिलेगा। आर, आज आप बच्चों के स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें। एस, कार्यक्षेत्र में सब कुछ आसानी से हासिल होगा, सीनियर्स आपसे प्रभावित होंगे। टी, व्यापार में अच्छा मुनाफा होने की वजह से आज घर परिवार वालों के साथ पार्टी करेंगे। यू, संगीत के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा, आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। वी, कई दिनों से चल रही घरेलू समस्या का हल निकलेगा, घर में पहले जैसी खुशियां वापस आएंगी। डब्ल्यू, आज आपके मन में नए नए विचार आएंगे जिससे आप जिन्हें आप व्यापार में आजमाएंगे।
एक्स किसी पर बेवजह गुस्सा ना करें, फिजूल की बातों को इग्नोर करें। वाई आज का दिन खुशियां लेकर आएगा, अचानक आपको खुशखबरी सुनने को मिलेगी। जेड आज आप किसी एकांत जगह पर समय बिताएंगे जिससे आपको सुकून मिलेगा। और अब बात आज के तीर्थ की, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं नोएडा के बिसरख गांव में स्थित है प्राचीन शिव मंदिर। इस शिव मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ खुद लंकापति रावण ने शिवलिंग स्थापित किया था। ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान पर त्रेता युग में ऋषि विश्वा का जन्म हुआ था। ऋषि विश्वश्रवा यहाँ ही रावण ने उन्हीं के यहाँ रावण ने जन्म लिया था। बाद में रावण ने यहाँ भगवान शिव की पूजा करके बुद्धिमान और पराक्रमी होने का वरदान पाया था। यहाँ खुदाई के दौरान अष्टभुजी शिवलिंग मिला था जिसकी खुदाई करने पर आज तक उसके छोर का पता नहीं चल पाया है। इस गांव में रावण के पुतले का दहन भी नहीं होता। विश्वश्रवा माना जाता है कि पूरी राक्षस जाति के उद्धार के लिए ही रावण ने सीता हरण किया था, तो आप भी कीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे अर्धचंद्राकार ललाट वाले लोगों के बारे में। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लोगों के ललाट के ऊपरी भाग में अर्धचंद्राकार यानी आधे चांद के समान झुके हुए बालों यानी आगे की तरफ से बालों की आकृति आधे चांद के समान हो, वो लोग बहुत ही अच्छे मिजाज के होते हैं। इन्हें नई नई चीज़ों को करने का और घूमने का शौक होता है। इन्हें फैशनेबल और गहरे रंग की चीज़ों से बहुत लगाव होता है। ये कामुक स्वभाव के होते हैं और दूसरों के प्रति जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। साथ ही खुद को दूसरों के सामने सबसे श्रेष्ठ और आकर्षक साबित करने का प्रयास करते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा अर्धचंद्राकार ललाट वाले लोगों के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे यानी कि आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 23 अगस्त को भाद्रपद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। प्रतिपदा तिथि में कद्दू या कोहड़ा या सीताफल खाना निषिद्ध है। प्रतिपदा तिथि आज शाम 4:30 तक रहेगी। उसके बाद द्वितीय तिथि लग जाएगी जो कि कल शाम 4:04 तक रहेगी। द्वितीय तिथि में छोटे बैगन अथवा कटहरी का सेवन निषिद्ध है। अतः आज शाम 4:30 तक आपको कद्दू यानी सीताफल का सेवन करने से बचना चाहिए, जबकि उसके बाद कल शाम 4:04 तक आपको छोटे बैगन अथवा कटहरी का सेवन अवॉइड करना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की शुभ दिशा क्या है, तो कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पश्चिम और उत्तर पश्चिम। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो निसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मत मत ह्रीं 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 फट फट ठा ठा एहि रुद्र आज्ञा पयति। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज मंदिर में दुर्गा जी को चुनरी चढ़ाइए, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 01244721000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।